डॉक्टर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको सिलिनाफिल या मैनफोस टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे हमें कब लेना है, कब नहीं लेना है और इसका खाने का सही समय क्या है, क्या इस टेबलेट को अगर महिलाएं खा ले रही हैं तो उनको क्या परेशानी हो सकती है या नहीं हो सकती है, और यह जो सिलिनाफिल का टेबलेट है या मैनफोस का, यह किस कैटेगरी में यह दवा आता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें। दोस्तों यह मैनफोस टेबलेट जो है यह है पुरुषों को तब उतने समय लेना चाहिए कि जब उनके पेनिस में एकदम लूजपन रहता है, उनके पेनिस में कड़ापन नहीं रहता है, तो उतने समय इस टेबलेट को डॉक्टर आपको खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों इस चीज को लेकर के अपने प्राइवेट पार्ट में लूजपन को लेकर के बहुत सारे लोग हैं इस समस्या को लेकर के परेशान रहते हैं। अगर उनकी नई नई शादी हुई है या अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, उनका जो पेनिस रहता है या उनके प्राइवेट पार्ट में एकदम लूजपन रहता है, उनका जो प्राइवेट पार्ट रहता हुआ टाइट नहीं रहता है, तो सबको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। क्योंकि अगर उनके प्राइवेट पार्ट में कड़ापन नहीं रहेगा तो वह अपने हम सफर को या पार्टनर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। अगर खुश नहीं कर पाएंगे तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी और उनके पार्टनर को भी इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों उतने समय इस सिलिनाफिल टेबलेट को लेकर के, आप मैनफोस के नाम से आता है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में इस तरह का टेबलेट बनाती हैं, तो उतने समय इस टेबलेट को लेकर के आप अपने प्राइवेट पार्ट जैसी कोई भी समस्या को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों इस टेबलेट को आप अगर 24 घंटे में एक बार ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको दिन में दो बार या तीन बार आप इस टेबलेट का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। जहां तक हो, अगर आपको जरूरत लग रही है, आप उस एज में पहुंचे हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में एकदम लूजपन रहता है, तो उतने समय इस टेबलेट का प्रयोग करके आप अपने शादीशुदा जीवन को एक सुखमय और आनंदमय जीवन बना सकते हैं। क्योंकि यह टेबलेट खाने के बाद आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा कड़ापन आ जाता है। चलिए जानते हैं कि यह कैसे दवा हमारे शरीर के अंदर काम करती है। दोस्तों जब इस सिलिनाफिल टेबलेट को आप खाते हैं तो उतने समय यह टेबलेट जो रहता है आपके पेनिस में यह ब्लड फ्लो को यह तेजी से बढ़ा देता है, जिससे आपके पेनिस में कड़ापन हो जाता है, और यह कड़ापन जो रहता है वह काफी समय तक रहता है, जिससे आप अच्छा इंजॉय कर सकते हैं और शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यह टेबलेट लेने के बाद हमारे पेनिस में कितने समय तक यह कड़ापन बनाए रखता है। दोस्तों यह टेबलेट अगर आप ले रहे हैं तो लगभग आपको 4 से 6 घंटे तक आपके पेनिस में यह कड़ापन लाता रहेगा और बना रहेगा। तो उतने समय अगर आपका पेनिस जो रहता है 1 से 2 मिनट में लूज हो जाता है, तो उतने समय इस टेबलेट को लेकर के आप अपने लूजपन जैसे समस्या को आप सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट को हमें खाना कैसे जाता है। दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं तो उतने समय आपको लगभग आधे घंटे पहले इस सिलिनाफिल या मैनफोस टेबलेट को आपको खाना रहेगा। उसके बाद आप अपने जैसे पार्टनर के पास जाएंगे तो आपके पेनिस में उत्तेजना शक्ति जो रहेगी वह बढ़ जाएगी। उतने समय इस टेबलेट को आप इस तरह ले सकते हैं, आप चाहे उसको दूध के साथ ले या नॉर्मल पानी के साथ ले। जहां तक हो, इस टेबलेट को अगर आप खाली पेट यूज कर रहे हैं तो उतने समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर इसको खाना खाने के बाद आप यूज कर रहे हैं तो यह उसका जो रिजल्ट रहता है यह लगभग आपका 30% कम हो जाता है। तो उतने समय अगर हो सके तो आप खाली पेट इस टेबलेट का प्रयोग करके आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं अगर, तो उन्हें खुश कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अगर यह टेबलेट महिलाएं खा ले रही हैं तो उनको क्या दिक्कत हो सकता है। दोस्तों अगर यह टेबलेट महिलाएं खा ले रही हैं तो उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यह टेबलेट जो है यह केवल पुरुषों के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब यह टेबलेट पुरुष खाते हैं तो उनका पेनिस में जो ब्लड फ्लो रहता है वह तेजी से प्रवाह करता है, तो उतने समय यही चीज महिलाओं में होगा, तो महिलाओं में उतने समय उत्तेजना शक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन हो सकता है कि उनके यूरिन में या उनके वजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो उतने समय इस टेबलेट को महिलाएं ना खाएं। अगर गलती से खा भी ले रही हैं तो ध्यान रहे कि आपको कुछ ना कुछ परेशानी अगर हो रही है तो उतने समय आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और सलाह लें। दोस्तों यह टेबलेट जो है यह आप अपने बच्चों के पहुँच से दूर रखें। जहाँ तक हो आप इसे ऐसी जगह रख दें कि आपके बच्चे ना पाएं, क्योंकि अगर इस टेबलेट को बच्चे खा ले रहे हैं उनकी हालत बहुत बिगड़ सकती है। चलिए जानते हैं कि यह टेबलेट जो है किस कैटेगरी में आता है। दोस्तों यह सिलिनाफिल का टेबलेट जो है यह PDE5 इनहिबिटर कैटेगरी का टेबलेट है। तो अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो इस टेबलेट का प्रयोग करके आप अपने सेक्स टाइम को बेहद ही बढ़ा सकते हैं और अपनी उत्तेजना शक्ति को भी अच्छा बढ़ा सकते हैं, और सेक्स टाइम जो बेहद ही कम है तो उसे भी आप गेन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों इस टेबलेट को लेने के बाद अगर आपके सर में दर्द कर रहा है, आपके आंखों से धुंधलापन दिख रहा है, आपका चेहरा दर्द कर रहा है, या आपके नाक से या मुंह से हवा जो है एयर जो है उसमें गर्मपन आ रहा है, या आप
का और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उतने समय इस टेबलेट को आप दोबारा प्रयोग ना करें। तो दोस्तों देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा टेबलेट जो है जो महिलाओं की उत्तेजना शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो का आप इंतजार करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें और इसी तरह आप प्यार बनाए रखें। देर न करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।